थैंक यू सो मच. बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था ये पूरा का पूरा, जो आपने स्ट्रैटेजीज़ शेयर करी, अपनी स्टोरी शेयर करी, बेसिक ग्रासरूट लेवल से कैसे आपने गुजराती पढ़ के भी, उसके बाद भी इंजीनियरिंग के बाद भी आपने ये सपना जगाए रखा कि आपने यूपीएससी को क्लियर करना है. एंड ऑफकोर्स वो सेमिनार वाली बात तो डेफिनेटली काफ़ी इंस्पायरिंग थी, जो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट थी. यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो गुजराती लिटरेचर को लेना चाहते हैं, वो या तो कई बार डिस्करेज हो जाते हैं, और अभी भी नंबर्स अगर हम देखेंगे तो 4 बच्चे हैं आउट ऑफ 759 जिन्होंने गुजराती लिटरेचर के थ्रू यूपीएससी के इस एग्ज़ाम को इस साल क्लियर किया है. तो ऑटोमेटिकली डर बैठ जाता है कि नहीं, हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. यहाँ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कैसी स्ट्रैटेजी रही थी आपकी, और सबसे पहले आपने गुजराती लिटरेचर को क्यों ही सिलेक्ट किया. और हो सकता था जैसे आपके पहले और दूसरे अटैम्प्ट थे, कई बार हम देखते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट में अगर ऑप्शनल काम नहीं आ रहा होता है, या हमें लगता है कि नहीं ऑप्शनल की वजह से हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग स्विच भी कर लेते हैं. तो आप कितना वो रेकमेंड करेंगे कि नहीं स्विच नहीं करना, आपने किसी रीज़न से अगर एक ऑप्शनल सिलेक्ट किया है तो उस पर आपको बिल्कुल रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए. तो यहाँ आप उन सारी चीज़ों के बारे में बताइए, और ऑफकोर्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम गुजराती लिटरेचर के ऑप्शनल को ताकि आप ही की तरह क्लियर कर पाएँ. तो ये सारी चीज़ें हम डेफिनेटली जानना चाहेंगे. गुजराती लिटरेचर मेरा ऑप्शनल था, और ये मेरे फोर्थ मेंस थी, और चारों मेंस से मेरा ऑप्शन सेम रहा है, मैंने ऑप्शन चेंज नहीं किया. और गुजराती लिटरेचर मेरा ऑप्शन रखने का एक मकसद ये भी था क्योंकि मेरी स्कूलिंग गुजराती मीडियम से हुई थी और गुजराती लैंग्वेज में मैं काफ़ी कंफर्टेबल था. और बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि गुजराती लिटरेचर का मटेरियल कहाँ से अवेलेबल प्राप्त करें और कहाँ पर अवेलेबल रहेगा. तो मैं उसकी बेसिक बुक लिस्ट आपको बताना चाहूँगा. बेसिकली देर आर टू पेपर्स इन ऑप्शनल गुजराती लिटरेचर. पेपर वन इसमें मिडिवल हिस्ट्री से शुरू होता है, मध्यकालीन युग जिसे कहते हैं, उसके बाद मॉडर्न आता है, आधुनिक युग जिसे कहते हैं. उसके लिए मैंने धीरूभाई पटेल की जो बुक है वो पढ़ी थी. उसके बाद रमेश त्रिवेदी की मध्यकालीन युग के लिए एक बुक आती है और आधुनिक युग के लिए एक बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, वो भी आप रिफ़र कर सकते हो. फिर प्रसाद ब्रह्मभट्ट की भी एक बुक आती है साहित्य का, जो साहित्य के जो टाइप्स होते हैं, स्वरूप जिसे बोलते हैं, उसके लिए. फिर पेपर टू के लिए मैंने शायद 18 टेक्स्ट बुक है, तो मैंने 18 में से 17 अवेलेबल है तो वो टेक्स्ट बुक मैंने परचेज़ की थी. और हर टेक्स्ट बुक को पढ़ के मैंने एक क्रक्स तैयार किया था जो मैक्सिमम दो से तीन पेज का था. तो वही क्रक्स को मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करता था. तो और पेपर आंसर राइटिंग काफ़ी हेल्प करती थी मुझे. मैं स्पीपा में कोचिंग लेता था, तो स्पीपा के जो फैकल्टीज़ होते हैं वो हर साल मेंस से पहले वहाँ पे गुजराती लिटरेचर के पेपर्स निकालते हैं और हमें आंसर राइटिंग करवाते हैं. तो वो काफ़ी हेल्प वहाँ से स्पीपा से मुझे मिली थी. उसके अलावा अहमदाबाद में सुरेश परमार करके एक फैकल्टी है जो काफ़ी अच्छा गुजराती लिटरेचर पढ़ाते हैं, तो मैंने वहाँ से कोचिंग ली हुई है गुजराती लिटरेचर की. और बाकी का जो मटेरियल है वो अहमदाबाद से आपको मिल जाएगा. ऑनलाइन अवेलेबल है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, बट मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नया कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा जहां से आप मटेरियल है वो ऑर्डर कर सकते हो. और उसके अलावा जो चीज़ है कि गुजराती लिटरेचर में आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मौलिकता जिसे बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके अंदर मौलिकता है, आपका आंसर दूसरों से ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा और आपके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे. और मौलिकता तभी आएगी जब आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी होगी और अपने आप उसको समझे होंगे. अगर सिर्फ बुक से आप उसको मेमोराइज कर लोगे और वहाँ जाके प्रिंट कर दोगे तो उतने नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि अराउंड गुजरात में 100 से 120 बच्चे होते हैं जो मीन्स में गुजराती लिटरेचर ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं. बट उसका सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट. बट मौलिकता आपको रखनी पड़ेगी, और मौलिकता के लिए आपको वास्ट रीडिंग करना पड़ेगा और आंसर राइटिंग खुद से करनी पड़ेगी.